थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता है, सेठ साहब ज्यादा जो बढ़ाएंगे तो थोड़ा देता है, जो बढ़ाएंगे। कितने मजदूरी होनी चाहिए? अति रजा काम करते 400 मिलता है ईटा पत्थर में, हम लोग मंडी में काम करते आराम होता है। सबसे पहले तो आज श्रमिक दिवस पर सभी का हार्दिक शुभकामना, अपना देखिए आपको चाहे चाहे एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, सभी कहीं ना कहीं एक श्रमिक ही है, श्रम करते हैं तो खाते हैं। आज विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे सभी मजदूर यूनियन के लीडर अपने ललित ओझा जी और उनके भाई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने इन लोगों को संगठित करके रखा, क्योंकि इनकी दर्द को कोई समझता नहीं है और राज्य सरकार को जिस तरह से इनकी अनदेखी की है, इनकी ही नहीं पूरे राज्य में हर तरह का, चाहे किसान हो महिला, हर तरह का अनदेखी किए हैं, तो इन गरीबों को कौन पूछता है, मजदूरों को कौन पूछता है। तो श्रम नियोजन के माध्यम से, श्रम मंत्रालय के माध्यम से, श्रम कानून के माध्यम से जो इनका हक और अधिकार इन्हें मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिलता है, चाहे इनकी मजदूरी की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आनाकानी कर दिया जाता है और इनको जो रेट फिक्स होता है वो नहीं मिल पाता है। तो ये लोग अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए सोचते हैं और अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए, आज आधुनिक युग है, वैश्विक युग है और इस समय लोग अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में स्कूलिंग कराना चाहते हैं, अपना अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उनके पास क्या मजदूरी है सबको मालूम है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जयमंग कुमार की सरकार है, आज इन्होंने पूरे अपने टीम के साथ आए हैं और राजभवन में ज्ञापन सौंपेंगे और मजदूरों के साथ लोग खड़े हैं। पांच सूत्री मांगे हैं जो केंद्रीय श्रम कानून है, झारखंड में उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसका अनुपालन कराने को लेकर, उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर, उनके लिए आवासीय व्यवस्था को लेकर, और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बड़ी हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो उनकी हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए भी हम लोगों ने एक मांग रखा है, जो भी हम लोग राजभवन में सौंपेंगे। और हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग ऐसे लोगों का नेतृत्व करते हैं जो समाज का रीढ़ है, राजधानी सहित पूरे प्रदेश को की अर्थव्यवस्था को ये संभालते हैं, और पूरे कोरोना में अपने जान को की परवाह किए बगैर इन लोगों ने पूरे राजधानी और प्रदेश में खाद्यान्न के सप्लाई को, ट्रांसपोर्ट को इन लोगों ने जीवित रखा, और इन लोगों को कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग राज्य सरकार से मायूस होकर आज राजभवन की ओर आए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे ज्ञापन के बाद इनके जीवन स्तर में कोई बदलाव आएगा।